तो इस मूवी में हम लोग देखने वाले हैं कि एक आदमी जिसने सालों से गपागप नहीं किया है, जो कि सिर्फ अपने हाथों से ही काम चला रहा होता है, और एक दिन जब उसकी बेटी उसे ढूंढते ढूंढते उसके पास आ जाती है तो वो उसकी बेटी के साथ ही गपागप कर बैठता है। तो अब आगे आगे इस मूवी में और जो भी कुछ होने वाला है यही हम आज के एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो आओ यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो हमारी मूवी स्टार्ट होती है और हम लोग स्टार्टिंग में कैडी नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि सच में ही कैडी चीज थी। हम देखते हैं कि वो एक रोड पे खड़ी होती है, एक ट्रक को ढूंढ रही होती है जिससे कि वो लिफ्ट ले सके। अब बहुत देर में उसे एक ट्रक मिलता है। अब वो साला ट्रक ड्राइवर बहुत ही ज्यादा ठगी और हरामी होता है और वो कैडी के साथ उसकी बिल्ली को टच करने लगता है। अब कैडी को भी ये सब अच्छा लगने लगता है तो वो भी उसे करने देती है। अब कैडी बातों ही बातों में उस आदमी के जूते उतार लेती है और वहां से उस आदमी के पैसे लेकर भी भाग जाती है। तो भाई हमारे ठरकी ड्राइवर को उसके ठरकपन का जो रिजल्ट था वो इंस्टेंटली मिल चुका था। अब जब कैडी उसे दूर आ जाते हैं तो उसे एक रेगिस्तान में घर दिखाई देता है। वो उस घर के पास जाती है, वहां पर उसकी मुलाकात एक जैस नाम के आदमी से होती है। अब जैसे जीबी रोड पे धंधे वाली औरतें अपने गेट पे खड़ी होती है, अब उसी तरह से कैडी भी जैस के घर के गेट पे खड़ी हुई थी। जैस उसे देख के ये सोच रहा था कि भाई ये माल कौन है। अब कैडी उस लड़के के साथ फ्लर्ट करने लगती है। अब बातों ही बातों में जेस कैडी को बताता है कि मेरी एक बेल नाम की वाइफ थी जो मुझे छोड़ के चली गई, मेरा बच्चा भी वो अपने साथ ले। अब ये पता पड़ने के बाद कैडी जेस को बताती है कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ और जिस औरत का तुमने नाम लिया वो मेरी माँ है। अब ये बात देख कर कैडी अपना सामान जेस के घर में ले जाती है और भाई जेस उस लड़की को देखते ही रह जाता है। तो भाई हमारा जेस एकदम से शॉक में आ गया था क्योंकि उसने पता नहीं क्या क्या बोल दिया था उस लड़की से, पर वैसे उसे पता नहीं था कि वो कौन है। तो चलो इतना तो चलता है। हम देखते हैं कि ये लोग अब डिनर पे आते हैं तो कैडी जेस को बताती है कि जो मेरी मॉम बेल है उनकी तबीयत कुछ खराब नहीं चल रही है। कैडी बताती है कि मेरी मॉम बेल आजकल बहुत ज्यादा बीमार चल रही है। वो साथ साथ जेस को ये भी बताती है कि जब मैं सिर्फ 17 साल की थी तो मैं प्रेग्नेंट हो गई थी एक छोटी सी उम्र में और मेरा एक बच्चा भी था, पर लेकिन उस बच्चे का जो बाप था साला कुत्ता हरामजादा, वो मुझे और मेरे बच्चे को अपने हालातों पे ही सड़ने के लिए छोड़ के चला गया। अब इतना सब सुनने के बाद जेस कैडी से कहता है कि क्या तुम अब मेरे साथ ही रहोगी। तो इस पर कैडी कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी और मेरे पास और कोई दूसरा चारा भी नहीं है। तो भाई अपना अपना दुख एक दूसरे से बताने के बाद ये दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। अब एक बार रात के समय कैडी नहा रही होती है और जैस उसे देख के अपने पप्पू को तान रहा होता है, पर तभी उसे समझ में आ जाता है कि नहीं भाई ये मेरी बेटी है। तो वो अपने आप को संभाल लेता है और पानी गर्म करने बैठ जाता है। अब अगले दिन सुबह सुबह जब जैस को कैड नहीं मिल रही थी तो वो कैडी को ढूंढने के लिए उसी सिल्वर माइन में जाता है जिसमें वो काम कर रहा होता है और वहां पे उसे कैड मिलती है। जैस कैडी को बाहर निकाल के ले आता है और कहता है कि तुम इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं जा सकती, ये एक सिल्वर माइन है, अगर हमने यहाँ से कुछ भी चुराया तो हम लोगों को पुलिस पकड़ के ले जाएगी। पर हमारी कैडी कहाँ मानने वाली थी, वो जैस के साथ मिलकर एक प्लान बनाती और कहते हैं कि हम यहाँ से सिल्वर माइन में से कुछ सिल्वर निकालेंगे और उसे बेचेंगे जिससे कि हम अमीर बन जाएंगे और हम ये सब काम चोरी छिपे करेंगे ताकि किसी को भी पता ना पड़े। लेकिन जेस जब उसे ये सब करने के लिए मना करता है तो कैडी कहती है कि जो इस माइन का मालिक है उसके बेटे ने ही मुझे प्रेग्नेंट कराया, यानी कि ये जो माइन है वो उतनी ही मेरी और मेरे बच्चे की भी है जितनी इस माइन के मालिक की है, तो टेक्निकली मैं इस माइन की मालिक हुई। तो अपनी खिलाड़ी बेटी की इन चूतियापंती भरी बातों को देखकर जेस को लगता है कि भाई उस पे किसी ने जादू टोना किया है। तो वो उसे लेके अपनी गाड़ी में बैठा के चर्च की तरफ लेकर जाता है। अब चर्च में ये दोनों जब पहुंचते हैं तो फादर उसकी बेटी के बारे में उसकी भाई साहब फादर तो कैडी की धोती खोलने लगा था, अब जिसके बाद कैडी को अच्छा नहीं लगता और वो वहां से जाने लगती है। कैडी अपने फादर के साथ घर पे भी नहीं आती, वो कहीं बाहर चली जाती है। अब जब कैडी घर वापस आती है तो उसका फादर उससे पूछता है कि बेटी तुम कहाँ थी। तो कैडी उससे कहती है कि मैं अपने एक फ्रेंड के घर थी, जिसके बाद जेस को पता पड़ जाता है कि उसकी बेटी क्या गुल खिलाकर आई है रात में। अब इस सब के बाद हम लोग रात में देखते हैं कि कैडी जो होती है वो अपने कमरे में सो रही होती है, नहा धोकर लेटी होती है एक टावल पहन के सिर्फ। हम जेस को देखते हैं जो कि उसके कमरे में उसे चाय देने के लिए आता है, पर लेकिन नहीं भाई यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था, इन दोनों ने ही अपने अरमान खड़े कर लिए थे। पर लेकिन जेस फिर भी रुक जाता है, वो नहीं चाहता था अपनी बेटी के साथ ऐसा कुछ करना, बल्कि उसकी बेटी ही उसे उकसा रही थी अपने साथ करने के लिए। हम लोग देखते हैं कि उसी रात कैडी अपने फादर को किसी ना किसी तरह से मना लेती है उस माइन में सिल्वर निकालने के लिए, और अगले दिन भाई साहब ये दोनों सिल्वर निकालने के लिए पहुंच भी जाते हैं। ये दोनों वहां पे माइनिंग का काम स्टार्ट कर देते हैं, जहां पर दोनों बाप बेटी बड़ी मेहनत से लगे हुए थे। दिन में माइन तोड़ने के बाद ये दोनों रात में पलंग तोड़ किया करते थे, पर लेकिन आगे देखते हैं कि क्या होता है। हम लोग देखते हैं कि ये दोनों जब थके हारे आते हैं तो रात को कैडी अपने पूरे कपड़े उतार के जेस के सामने ही बाथटब में बैठती थी और जेस से कहती थी कि आप तुम मेरी मालिश करो। अब भाई मालिश करनी तो क्या करनी भाई, जेस का तो पूरा तंबू खड़ा हो जाता था ये करने से, पर वो लेकिन फिर भी अपने आप को कंट्रोल कर लेता था। इन साले अंग्रेजों की फिल्मों में भी परिवार का मतलब तो कुछ होता ही नहीं है।
मतलब जब तुम्हारा मन करे तुम किसी के साथ भी कर सकते हो, चाहे वो कोई भी हो। तो अब समझ में आया, हमारे बड़े लोग हमसे इसलिए कहते थे कि अंग्रेजी फिल्में नहीं देखनी चाहिए। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि ये दोनों माइन में जाते हैं और बहुत सारा सिल्वर माइनिंग करके निकाल देते हैं, पर तभी वहां पे एक आदमी इन दोनों को ऊपर से देख रहा होता है। लेकिन भाई ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा खुश थे क्योंकि इनको बहुत ज्यादा सिल्वर मिल चुका था, जिसको ये लोग बेचने के लिए मार्केट में जाते हैं। और इतने सारे सिल्वर को बेचने के बाद इन दोनों को बहुत सारा पैसा मिलता है, जिसके बाद ये दोनों इतने ज्यादा खुश होते हैं और भाई नाचते झूमते अपनी गाड़ी में वापस अपने घर पे आ जाते हैं। अब जैसे ये लोग घर पहुंचते हैं तो इनकी मुलाकात वहां पे जेन नाम की एक लड़की से होती है, जो कि कैडी की फ्रेंड थी और जिसके पास कैडी ने अपना बच्चा डैनी छोड़ा हुआ था। जेन यहां पर डैनी को कैडी के पास इसलिए लेकर आई थी ताकि वो उसे उससे मिलवा सके। पर हम देखते हैं कि जब जेस उस बच्चे को देखता है तो वो डायरेक्ट अंदर चला जाता है, जहां हमें पता पड़ता है कि वो इस बच्चे को पसंद नहीं करता। जेस बैठकर कॉफी पी रहा होता है तभी वहां पे कैडी डैनी को लेकर आती है, जो उसे जेस को पकड़ा देती है और जेस उसे बहुत सारा प्यार करता है, जहां पर हमें पता पड़ता है कि उसे वो बच्चा पसंद आने लगा है। पर तभी यहां पे जेस डैनी के पेट पे एक बर्थ मार्क देखता है जो कि लाल रंग का था। तभी हम यहां पर जेन को देखते हैं जो कि उन्हें खुशखबरी देती है कि अगले दिन यहां पे डैनी का पापा आने वाला है, यानी कैडी को जिसने प्रेग्नेंट किया था वो यहां पे आने वाला है। अब ये बात सुनकर जेस बहुत ही ज्यादा आग बबूला हो जाता है और उसे पता ही नहीं पड़ता कि वो कल क्या करेगा। तो ये था इस मूवी का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं कि कैडी को जिसने प्रेग्नेंट किया था, क्या वो उसके पास सच में ही आने वाला था। तो यही हम सेकंड पार्ट में देखने वाले हैं। सेकंड पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाके देख लो। और मैं सच बता रहा हूँ, सेकंड पार्ट इस फर्स्ट पार्ट से भी तगड़ा है। ठीक है, तो भाई फिर मिलते हैं सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फर्स्ट पार्ट।